उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी जुबान में रखें। देखें कैसे दोस्तों, यहाँ पर एक गुलाब का फूल निकला था, ये मुरझा गया सारा। यहाँ पर भी एक निकल रहा था, ये भी सारा टूट गया। और ये बिल्कुल इस पर भी अभी तक अनार नहीं निकला, पत्ते ऊपर से वो निकल रहे हैं लेकिन अनार नहीं निकला अभी तक। और यहाँ पर भी अमरूद भी थोड़े छोटे छोटे लगे हैं ये देखें, और आम तो बहुत ही ज़्यादा लग चुके हैं ये देखें। इन में से किसी गमलों के अंदर ना मैं सूखा धनिया डाल के ला के डाल दूँगा, क्योंकि जब खरगोशों को धनिया डालना हो यहीं से निकाल के डाल देंगे। ये देखें आम कितने ज़्यादा हो गए, बाहर बच्चे आते हैं आम तोड़ने के लिए, फिर इनको भगाना पड़ता है। तो अभी बिल्कुल अभी मैं ताज़ा धनिया लाया था, डाल दिया इनको इन्होंने खा भी लिया। मैं बस बच्चों का इंतज़ार करूँ, मेरे ख्याल से ना इनका सीज़न अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए ये नहीं दे रही अभी बच्चे। शायद यही हो सकता है क्योंकि 2 माह तो हो गए इनको, इन बच्चों को गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए शायद ये बच्चे नहीं दे रहे। रोज़ मैं कभी ना कभी ना यहाँ पर आके पानी का छिड़काव कर देता हूँ ताकि जगह ठंडी रहे। गाइस आज मौसम तो बहुत ही अच्छा है, और वरना रोज़ गर्मी होती है। गाइस ये देखें क्या चीज़ आके बैठ गई है दीवार पे। आपको मैंने बताया कोई क्या चीज़ है ये, मेरे ख्याल से वुड कटर है। उड़ती भी है ये, उड़ रही है, इधर आ रही है उधर जा रही है, कहाँ जा रही है, यहाँ कहाँ जा रही है, वो ऊपर चलेगी उड़ के कहाँ जा रही है, वापस इधर आ गई है। तो गाइस कमेंट में बताएं क्या चीज़ है, कोई अजीब सी चीज़ आ गई है, वो जा रही है वापस जा रही है। चले गई यार, वापस आ जाती ना ये बहुत मज़ा आया था, पकड़ लेता मैं इसको। गाइस वाकई आज तो बहुत अजीब गरीब चीज़ें आ रही हैं मेरी छत पर, ये कहाँ से आ रही हैं परिंदे, इधर कोई आ रही है। वाओ माशाल्लाह कितना कलरफुल है ये, कहाँ जा वो कहाँ गया, या इधर किधर चला गया, कहाँ चला गया वो, और छत पे घूम रही है मेरी। माशाल्लाह। गाइस कमेंट में बताएं ये कौन सा परिंदा है। बैठो भाई इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ यार। गाइस इसे पकड़ने की कोशिश करें, नहीं वो पहले ही उड़ गया। वही बहुत वही प्यारा परिंदा ये। अरे कौन सी कहाँ से आ रही हैं ये चीज़ें, एक तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है और ये पता नहीं कहाँ से आ रही हैं चीज़ें। ओह वही किधर चला गया। गाइस बहुत ही मज़े की चीज़ें आई हैं आज, मुझे तो यकीन भी नहीं था कि इस तरह का कुछ आ सकता है हमारे घर। कभी पीछे जा रहा है कभी आगे जा रहा है, ये देखें गाइस अब पास आ रहा है, गौर से देखना आप इसको। ये देखिए माशाल्लाह, ओह किधर जा रहा है यार, वापस आना है हमारे, हमने दिखाना है यार। गाइस ये देखिए कितना कोई प्यारा सा परिंदा है, मोर लग रहा है मुझे। गाइस कमेंट में बताएं ये कौन सा परिंदा है, कहाँ पर गया क्या, कहाँ पर हो वे, हेलो कहाँ पर हो, चला गया लगता है। गाइस ये देखिए मैंने इस तरफ देखा तो सामने से ईगल उड़ के आ रहा है, ये ईगल है पता नहीं क्या है, इस तरफ ही आ रहा है, ये भी शिकरा है फुल वाइट। ओ नहीं नहीं काटेगा यार, पीछे भागो, नहीं 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 ओ यार ये काट ना ले हमें, किधर गया वो, अभी मेरे पास था भाई, इस तार पर आके बैठ गया, डेंजरस हो सकता है भाई, उड़ाओ इसको। और दोस्तों आपको पता है गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली हैं, और अब मैं डेली व्लॉगिंग करूँगा गर्मियों की छुट्टियों में, जिस दिन ना आए आप कमेंट में पनिशमेंट बता दीजिएगा और मैं वो पनिशमेंट करूँगा आपके सामने। और गर्मियों में इंशाल्लाह या फिर इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते हमारा बिल्ली का बच्चा भी आ जाएगा, पर्शियन कैट आ जाएगी, फिर डॉग का पता नहीं कब आएगा लेकिन वो आ जाएगी। ये फिर आ गई है और ये अब उस तरफ जा रही है दरख्त की तरफ, शायद घोंसला तो नहीं इसके दरख्त में, ये क्या उधर की जा रही है, पिंजरे में तो नहीं जा रही, पिंजरे में जा रही है जी, चले जाए ना तो पकड़ लूँगा मैं इसको, जा नहीं जा रही, चले गई। गाइस आप यहीं पर रुके, मैं इसको बंद करता हूँ जाके। ओह कहाँ चलेगी उड़ गई, फिर इधर आ गया।
जा रही है वापस, अच्छी वाली आ रही थी हाथ में यार, चले गई ऊपर वाले घर पे, चले गई सामने। बाय बाय भाई। गाइस ये देखें, अभी मैं व्लॉग कर रहा था तो ये आके अब यहाँ पर पता नहीं कहाँ से आके बैठ गया। अभी कौन सी चीज़ें पता नहीं कैसी अजीबोगरीब चीज़ें आ रही हैं आज मेरे पास। अब मैं क्या करूँ यार, इन्हें पकड़ूँ या फिर जाने दूँ, आप ही बताएं। अब क्या हो सकता है। बिल्ली भी आई है गाइस इसके पीछे, उस तरफ है बिल्ली, मैं दिखाऊँ बोल उठूँगा तो उड़ जाएगा। मैं नीचे बैठा हूँ तो फिर इसलिए मैं अब नहीं उड़ाता इसको, बैठा रहे, थोड़ा सा दाना पड़ा हुआ साइड पर वो भी खा लेगा। तो गाइस अभी आपने देखा है कितने अच्छी गरीब परिंदे आए हैं, और आंधी फुल आंधी वाला मौसम हो गया काफ़ी दिनों बाद, गर्मियों में रैबिट्स ने सारा खाना खा लिया। फिर आधा व्लॉग मैं शायद कल बनाऊँ, अभी तो मुझे बहुत खुशी हुई इतने अच्छे अच्छे परिंदे को देख कर। अब चिड़ियाँ यहाँ पर आके बैठ रही हैं, बहुत अच्छा परिंदा था। एक तो जो वाइट शिकरा वहाँ से आया था वो भी बहुत प्यारा था। तो अजानें हो चुकी हैं, खरगोश भी खाना खा के, देखें खरगोश ने पानी में टांग रख के बैठी है। अजानें वगैरह हो चुकी हैं, थोड़ी थोड़ी सूरज बादल भी हट गए हैं सूरज के आगे से। और अभी तोते भी चल के दिखाते हैं आपको, उनको भी सही हालत है। ये भाई आगे जिन्होंने हमारे साथ सफाई करवाई थी, लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, काम ख़राब करते हो बस आगे। गाइस ये पीछे खड़े हैं, ये अपने कपड़े ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर हवा चल रही थी इनके कपड़े लटके हुए थे, गिर गए हैं काम पे जाने से इन्होंने, तो इनके कपड़े गिर गए। तो अब चलते हैं गाइस तोतों की तरफ, देखते हैं तोते भी दिखाते हैं आपको। ये आगे तोते, ये चूज़ा वो मर गया था, बिल्ली ले गई थी और चूज़े लाए हैं, उसमें से भी दो मर गए थे, एक रह गया और वो रहे ये रहे तोते बस। इन्होंने भी पता नहीं अंडे दिए हुए हैं नहीं, इन्होंने तो दिए हुए हैं, ये अंदर ही बैठे हैं बस, लगे रहिए अपने काम में बस चले। तो दोस्तों ये हमारा गार्डन है यहाँ पर, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये ओ पहले ही गिर के ये लेकर आया हूँ, ये थोड़े से नीचे से हम डालेंगे ताकि धनिया वगैरह हो गए। चले अब अपना काम शुरू करते हैं अपने। डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर उग जाएगा खुद यहाँ पर ही, देखिए इस तरह थोड़ा बिल्कुल कम करना है, ज़्यादा नहीं करना। गार्डन में ही मैं बैठा हूँ अपने, ये देखें इसको ऊपर डाल देते हैं आप, शोर बहुत हो रहा होगा आपको पीछे, बाइक्स वगैरह जाती जाती है ना यहाँ पर इसलिए। अब ये बाकी जो बचा है ना इसको यहीं पर नीचे फैला देते हैं, फिर यहीं पर मिट्टी गिरा देते हैं ऊपर, यहाँ से थोड़ी सी उठा लेते हैं, ये तोड़ लेते हैं थोड़ी सी, टूट ही नहीं देगा इस इतनी सख्त मिट्टी है। हिलो बस इसके ऊपर आ गई ना, अब यहाँ पर खुद धनिया हो जाएगा, क्योंकि ये अगर ज़्यादा नीचे दबाओ तो फिर ये भी उठता नहीं है, अंदर ही रहते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली है। कुछ दिनों बाद आगे देखेंगे यहाँ पर माशाल्लाह सारा धनिया हो रहा होगा। ये ऊपर हमारी छत है, हमारे घर के बाहर ये से हमारा छोटा सा गार्डन है। चले फिर चलते हैं। हाँ भाई रैबिट्स कहाँ पर हो, तुम्हारे लिए धनिया के बीज बोए हूँ, कुछ दिनों बाद धनिया निकलना शुरू हो जाएगा, फिर जाना नहीं पड़ेगा, वहीं से तोड़ तोड़ के डाल दिया करूँगा। अभी तो थोड़ा सा डाला, फिर बाद में ज़्यादा डालूँगा, सांस चढ़ गया अब। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इजाज़त दिए, अल्लाह हाफिज़।